शानदार खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। राम मंदिर पर फैसले से पहले महाभियोग नहीं लाना चाहती थी कांग्रेस। उप जिलाधिकारी खजनी दिनेश मिश्रा ने साधन सहकारी समिति रुद्रपुर खजनी पर किया औचक निरीक्षण। मछली शहर लड़की की लाश मिलने वाली घटना का हुआ खुलासा, हत्या करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार। जौनपुर थाना सिकरारा जौनपुर पुलिस द्वारा एक साथी लुटेरा एटीएम वाहन चोर गिरफ्तार। एक तमंचा कारतूस सहित और चोरी की एक मोटरसाइकिल भी बरामद। 4 माह की बच्ची से रेप के बाद हत्या, एक दिन पहले मां से हुई थी लड़ाई। आईपीएल 11, इस आरसीबी के तेज गेंदबाज ने अब तक लुटाए सबसे ज्यादा छक्के। नमस्कार दोस्तों, खबर 7C न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। खबरों के साथ मैं बृजेश पटेल। आइए चलते हैं आपको लेकर के आज की प्रमुख खबरों की ओर। आज लोकतंत्र के शासन में राजतंत्र जैसा नजारा देखने को मिला। जी हां, मामला सीतापुर के ब्लॉक रेउसा के अजयपुर का है, जहां क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित लोगों की समस्याओं का समाधान की मीटिंग में आए फरियादी तो धूप में जमीन पर बैठे हैं। वहीं दूसरी ओर अधिकारी व भाजपा विधायक ज्ञान तिवारी, जिनके साथ एसडीएम बिस्वा व एसओ तंबौर छाए में कुर्सियों पर बैठकर समस्या सुन रहे हैं। जबकि योगी सरकार का यह दावा है कि समस्या और उनकी सरकार में फरियादियों को बराबर का सम्मान दिया जाएगा, लेकिन यह दावा भी खोखला नजर आता दिख रहा है। आइए आपको लेकर के चलते हैं सीधे सीतापुर और देखते हैं नफीस अहमद की यह रिपोर्ट। उसको डिलीमिट करूंगा और उसको पैसा दूंगा, लेकिन ये जो हमने नौयत पढ़ी इस पर हम लोग तो मैं उसमें आदेश में नौयत नहीं लिखी थी, अभी मैंने तुम्हें दिया तो नौयत नहीं लिखी थी, तो हम नहीं ट्रेस आउट कर पाए कि जब तक उसकी हम नौयत नहीं दे। क्या ऐसा सपा की सरकार में कैसे ऐसा होता था बताइए जरा? आज कोई दलाल तुमको थाने में मिल रहा है जरा बता दीजिए, आप से गुस्सा। तो अगर ये इतना हो रहा है तो ये क्या कम है क्या ये? आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। गैस गोदाम से कैश ले जा रहे मुनीम पर बाइक सवार लुटेरों ने लोहे की राड से वार करके 54,000 कैश छीन लिए और मुनीम की हालत भी गंभीर है। गैस गोदाम से कैश लेकर बाइक से एजेंसी जा रहे मुनीम पर लोहे की राड से हमला कर बाइक सवार लुटेरों ने गिरा दिया और उसके पास से 54,400 की नकदी लूट ली। घटना को अंजाम देने के बाद लुटेरे फरार हो गए, जिसके बाद जख्मी मुनीम को जिला अस्पताल भेजा गया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। आपको बताते चले कि हर गांव के सराय पिथु निवासी दिलीप कुमार कश्यप हर गांव कस्बे की लक्ष्मी नारायण गैस एजेंसी पर काम करता है। आज दिलीप एजेंसी से क्षेत्र के सुपौली गांव में सिलेंडर की सप्लाई की और वहां से कैश लेकर गैस गोदाम लहरपुर रोड पर जो है अपने गोदाम से कैश लेके लौट रहे थे, तो इनके ऊपर जो है बदमाशों ने हमला किया है, और जिसमें से एक ग्रीन कलर की बाइक थी आई स्मार्ट, ठीक है, तो एक स्टार्ट करके खड़ा हुआ था और इन्होंने ये खुद बताया कि 2 लोग हमारा वेट कर रहे थे, तो उन लोगों ने पैसा मांगा तो इन्होंने नहीं दिया, तो उन्होंने जो तमंचा होता है तो उसके बैक साइड से इनके ऊपर वार कर दिया, फिर उसके बाद तब भी इन्होंने नहीं दिया, तब नाक पे जब उन्होंने वार किया है तब इन्होंने जो है इनको होश नहीं रहा, कुछ गिर पड़े तो लेके भाग गए। कितना सर? लगभग होगा 60,000 रुपये के आसपास। जी हमारा नाम गौतम कश्यप। खबरों के साथ आगे बढ़ते हैं। आज सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ 13वीं कार्यक्रम में सीतापुर पहुंचे, जहां सीने जगत के मशहूर लेखक जावेद अख्तर भी मौजूद रहे। इस दौरान मीडिया से बातचीत में स्वास्थ्य मंत्री ने रेप जैसे मामले के लिए कहा कि दोषियों को फांसी की सजा दे देनी चाहिए। आज
सूबे के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थ नाथ 13वीं कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीतापुर पहुंचे। इस कार्यक्रम में सिने जगत के मशहूर लेखक जावेद अख्तर भी मौजूद थे। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए रेप जैसे मामलों के लिए फांसी की सजा की वकालत करते हुए कहा कि बलात्कारियों को सख्त नहीं होगा कि किसी के आप प्रश्न पूछा उनके बारे में मैंने सुना नहीं है, मैं सुनूंगा तो मैं उस पर वक्तव्य जरूर देना करूंगा, मगर अभी मैंने सुना ना, जितना मैं रीटा बहुना जी को जानता हूं और जिस परिवार से वो आती हैं वो इस प्रकार की या किसी भी प्रकार की कोई ओछी भाजा नहीं बोल सकती। वो बहुत सम्मान के साथ सभी को आदरपूर्वक ही, चाहे वो विपक्ष हो या कोई भी हो, उनको सम्मान के साथ उनको पुकारती हैं। नाबालिगों पर जो रेप हो रहे हैं इसमें आपकी क्या राय है? उसमें देखिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इस प्रकार की घटनाएं जो सालों सालों से चली आ रही हैं, मगर इसके अंदर दो तीन चीज़ें हैं। एक तो कानून को सख्त करना चाहिए, उसके लिए हम लोगों ने लिखा भी है केंद्र सरकार को, मुख्यमंत्री जी ने स्वयं लिखा है कि कानून को कड़ा किया जाए। इसके अंदर रेयरेस्ट ऑफ द रेयर जो पनिशमेंट होता है, जो सज़ा होती है वो मौत होती है, उसको प्रावधान लेकर आए संविधान में, जो भी संशोधन करना। दूसरा एक ये मनोवैज्ञानिक भी चीज़ है और इसलिए आवश्यकता है कि हम लोग अपने पाठ्यक्रमों में भी इसका परिवर्तन लाएं और बच्चों को भी सिखाएं। और ये बहुत बड़ी चीज़ है कि जो माता पिता हैं, ये जो भूमि है हम लोग की यहाँ पे, जहाँ पे खड़े हैं, या बिस्वा हो या खंबापुर हो या रामपुर कला हो, कहीं परिवार के कुछ सीतापुर जिले के सुधौली गांव में भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजना ग्राम स्वराज योजना अभियान के अंतर्गत स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन कसमांडा ब्लॉक मानपारा तथा पैसिया ग्रामों में किया गया। कसमांडा ब्लॉक के ग्राम मानपारा में स्वच्छता सप्ताह में स्वच्छता जागरूकता के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय में समुदाय को निदेशक डायरेक्ट राघवेंद्र सिंह, गृह मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा ग्रामीणों को भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही 7 योजनाओं के बारे में जानकारी दी गई, जो अगले 10 दिन में सभी योजनाओं से संबंधित अधिकारी गांव में आकर ग्रामीणों तक पहुंचेगी। अच्छा दादा, शादी विवाह करनी है तो मोटी मोटी चीजें क्या क्या करवानी होगी? पहले दादा शादी विवाह करना है तो मोटी मोटी चीजें कितनी तैयारियां करनी होगी? जेवर होने चाहिए, खाना वाला होना चाहिए, कैमरा वाला होना चाहिए, रवैस वाला होना चाहिए, ये सब दादा आप बताओ। दादी यू बताओ, रोड लाइट ना करो तो काम चल जाए कि ना चल जाए? रोड लाइट ना करो काम तो चले जाए, बिहाव तो हो जाए। दादा सब कह रहे हैं हमारे शान के लिए कर रहे हैं। दादी आप बताइए, जिस बहू को लाने के लिए आपने इतने सारे खर्चे किए और वही बहू आपके घर में आती है, और वही बहू आपके घर में आती है जिसके लिए आपने इतने खर्चे किए और वो बहू घर पे आई, दादी महिलाएं घूंघट किसके लिए करती हैं? किसके लिए करती हैं दादी? पर्दे के लिए, टीका पर्दा करिए, जिसके लिए आपने लाखों रुपए खर्चा किए इज्जत और स्थान के लिए, वही बहू रोड के किनारे खुले में जब बैठ। किस बैंक में खाता है आपका? इलाहाबाद। उसको लिंक आप तो फिर आपके सब्सिडी कैसे जाएगी सर जी? जो है इस बीच में सर ने जैसा बताया कि 10 दिन के अंदर ये सारे डिपार्टमेंट गांव में आए ग्राम स्वराज अभियान के तहत, जो है इस जिले का इस 15 गांव में सर ने जैसा बताया 7 योजनाओं के बारे में, उस 7 योजनाओं से संबंधित जो अधिकारी हैं, जो विभाग, उनसे हम लोगों ने जिले पर सर ने मीटिंग कर लिया है और उनको डिटेल इंस्ट्रक्शन दे दिया है। ये 5 तारीख के पहले